मनुष्य के शरीर पर सामान्य रूप से दो आंखें होती है, यहां तक कि भगवान शिव के भी तीन ही नेत्र हैं। लेकिन यदि किसी के शरीर पर 1000 आंखें हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? सुनकर आप हैरान हो सकते हैं और आपको अविश्वसनीय भी लग सकता है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि देवराज इंद्र के शरीर पर एक भूल के कारण 1000 आंखें नजर आने लगे। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते में इनकी नजर गौतम ऋषि के आश्रम पर गई। आश्रम के पास इंद्र ने एक सुंदर युवती को देखा। वह युवती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जिन्हें जीवन भर नवयौवना बने रहने का वरदान प्राप्त था। इनकी सुंदरता को देखकर अप्सराओं के बीच रहने वाले इंद्र भी कामुक हो गए और उसे पाने के लिए योजना बनाने लगे। एक रात इंद्र ने चंद्रमा को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। चंद्रमा मुर्गा बनकर आधी रात में बांग देने लगे। इससे गौतम ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है, इसलिए ऋषि स्नान के लिए कुटिया से निकल गए और कुटिया के ओट में छिपे देवराज इंद्र गौतम ऋषि के जाते ही ऋषि गौतम का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश कर गए। अहिल्या को पहले तो गौतम ऋषि बने इंद्र पर शक हुआ, लेकिन इंद्र के छलावे में वह धोखा खा गई। गौतम ऋषि को भी नदी पर जाते हुए यह एहसास हुआ कि शायद अभी रात बाकी है और वह बीच रास्ते से ही कुटिया की ओर लौट चले। गौतम बने इंद्र ने अहिल्या से प्रेम निवेदन करना शुरू किया। देवी अहिल्या इंद्र के असली रूप को पहचान न सकी। पति समझकर इंद्र के प्रेम निवेदन को इन्होंने स्वीकार कर लिया। इंद्र की कामुक इच्छा पूरी हो गई, तब वह कुटिया से निकलकर जाने लगा। उसी समय गौतम ऋषि वहां पहुंच गए। इन्होंने इंद्र को अपनी कुटिया से निकलते देखकर जान लिया कि इंद्र ने इसकी पत्नी के साथ पाप कर्म किया है। क्रोधित होकर ऋषि गौतम ने इंद्र को शाप दे दिया कि हे देवराज, तुम योनि की चाहत में अपने धर्म से भ्रष्ट हुए हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर पर 1000 योनि निकल आएंगे। गौतम ऋषि के शाप से इंद्र के पूरे शरीर पर योनि उभर आए। इंद्र अपनी इस दशा से बड़े लज्जित हुए। इन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन उन्हें क्षमा नहीं मिली और क्रोधित गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या की कोई बात सुने बिना ही उन्हें शिला बन जाने का शाप दे दिया और कहा कि जब तक भगवान राम के चरण तुम पर नहीं पड़ेंगे, तुम शिला बनकर यहीं रहो। इधर इंद्र लज्जित होकर पश्चाताप के आंसू लिए अपने शाप से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्य ने इंद्र से कहा कि तुमने पाप कर्म किए हैं, इसीलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर पर नजर आने वाली योनियां अब नेत्र में बदल जाएंगी। इसके बाद इंद्र के शरीर पर मौजूद योनि आंखों में बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्र की 1000 आंखें हैं, जो उनके दुष्कर्म और धर्म भ्रष्ट होने की कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं और इस चैनल को अपना प्यारा आशीर्वाद देना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।